चलो बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन डी का सम नंबर वन। सम नंबर जो वन है बच्चा, आपको खाली बेसिक क्या बताना है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो बच्चा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन क्या है डी में, तो दिया हुआ है फंक्शन सेट ए टू बी। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और फंक्शन दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन पूछा गया है डोमेन, कोडोमेन और रेंज ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे वो ध्यान में रखना है जो एरो से पहले होता है, एरो से पहले होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं। तो लिखना शुरू करते हैं डोमेन, और यहाँ पे हम लिखेंगे डोमेन इज इक्वल टू डी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखोगे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे होगा ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे 10, 20 एंड 30। तो ये हमारा डोमेन का काम क्लियर। अब आप बोलोगे सर कोडोमेन, तो कोडोमेन में हम लिखेंगे तो यहाँ पे है जो है हमारा एरो के बाद वाला पॉइंट जिसको हम बोलेंगे बी, और बी में दिया हुआ है 18, 48, 98, 128 एंड 148। तो वो हमने लिख दिया, तो ये वाला बी हो गया। अब आई रेंज की बारी, तो रेंज मतलब आप बोलोगे यहाँ पे सिंबॉलिकली आर एफ बोलते हैं उसको, पर हमें ये नहीं पता कि रेंज क्या है, वो हम ढूंढेंगे कैसे, फंक्शन में डोमेन की वैल्यू पुट करके, फंक्शन में डोमेन की वैल्यू पुट करते हुए। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे डोमेन क्या है, पहले तो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x-2। तो ये हमारा फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा अब थोड़ा प्रॉपर लिखना शुरू करते हैं। यहाँ से x की जगह हम लिखेंगे 10, तो यहाँ पे पहला हमने लिखा 10, यहाँ पे 5 और यहाँ पे हमने लिखा 10-2, तो यहाँ पे हो जाएगा 50-2, तो हो जाएगा 48। तो ये पहली वैल्यू हमारी मिल गई किसकी, तो आप बोलोगे सर ये रेंज मिल गई 48, पहले लिखते गए हम, उसके बाद 20 वैल्यू पुट करते, तो यहाँ पे 20 करेंगे तो 5 × 20-2, तो आप बोलोगे 100 में से सर 2 जाएगा तो 98 आ जाएगा, तो यहाँ पे 98 लिख दिया। अब लास्ट में थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो आप लिखोगे, थर्ड में है कितना 30 मतलब 5 की जगह, तो 5 एक्स की जगह आप बोलोगे 30-2, तो 150-2, तो 148, तो ये 148 हो गया। तो आप बोलोगे सर तीनों वैल्यू ध्यान से देखोगे तो तीनों वैल्यू हमें मिल गई। तो एक लाइन में एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ, ऐसे तो हमने जो रेंज ढूंढना था वो भी ढूंढ लिया, डोमेन ढूंढना था वो भी ढूंढ लिया, और डोमेन कोडोमेन एंड रेंज तीनों ढूंढ लिया। लेकिन बच्चा जो ध्यान में रखना है, आप बोलोगे सर ध्यान में क्या रखना है, तो ध्यान में वो रखना है वो लिखना है, तो लिख सकते हो यहाँ पे रेंज जो है आर एफ इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो यहाँ पे बी। अभी देखो सारी वैल्यू नहीं आ रही, खाली तीन वैल्यू आ रही है, इसलिए सबसेट लिखेंगे, या आप लिखोगे रेंज इट्सेल्फ कोडोमेन हो जाता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, एमसीक्यू और छोटे क्वेश्चन वीएसक्यू के लिए बहुत काम में आएगा। तो ये प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। सम नंबर वन खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सम नंबर टू के साथ।